नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईट दैट फ्रॉग समरी इन हिंदी। जी हाँ, बायर ये बुक लिखी गई है ब्रायन ट्रेसी के द्वारा। क्यों पढ़े? क्वेश्चन ये है कि इस बुक को क्यों पढ़े। अगर आप काम को टालते रहते हैं और फिर उनका ढेर लग जाता है तो यह बुक समरी तहत फ्रॉग बुक समरी इन हिंदी आपके लिए है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कि कैसे किसी भी काम को कम समय में और बड़े आराम से किया जा सकता है। बहुत से काम हो तब भी आप कंफ्यूज हुए बिना उन्हें आराम से और समय पर कर पाएंगे। टाइटल का मीनिंग, जी दोस्तों, बुक का टाइटल ईट दैट फ्रॉग आपको अट्ठा सा लगा होगा। यह एक मुहावरे की तरह ही है। यहाँ फ्रॉग का मतलब किसी भी काम से है जिसे आप टालते रहते हैं। जैसे फ्रॉग खाना मुश्किल है, वैसे ही काम भी आपके लिए मुश्किल है। इसलिए लेखक कहते हैं कि ईट दैट फ्रॉग मतलब मुश्किल काम को कर लो। फिर बुक ने बताया गया है कि फ्रॉग खाना कैसे है, मतलब मुश्किल काम करना कैसे है। लेखक ने दो रोचक फैक्ट बताए हैं। पहला नंबर, अगर आपको फ्रॉग को खाना है तो जल्दी से खा ले। अगर उसकी तरफ देखते रहेंगे तो खाने का मन नहीं करेगा। उसी तरह कोई भी काम करना है तो उसे जल्दी से करें। ज़्यादा टाइम देंगे तो वो काम खिंचता चला जाएगा और उसे पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा नंबर, अगर दो फ्रॉग है तो जो गंदे वाला है उसे सबसे पहले खा ले। मतलब दो कामों में जो सबसे पहले टफ है उसे पहले निपटा ले। अब आइए समरी पढ़ते हैं। ईट दैट फ्रॉग समरी इन हिंदी। क्या मिक्सर खराब पड़ा है और बहुत दिनों से ठीक करवाने की सोच रहे हैं लेकिन वक्त नहीं मिल पा रहा है? बिजली का बिल भी देना है या टीचर ने एक महीने से असाइनमेंट दे रखी है और अभी तक एक भी पेज नहीं लिखा है? हम में से हर कोई कभी न कभी किसी न किसी काम को टालता रहता है। इस तरह वो काम लंबा खिंचता जाता है और वक्त से नहीं हो पाता है। लेकिन इस किताब की समरी पढ़कर आप टालम टोल की आदत छोड़ पाएंगे और हर काम जल्दी और समय से करना सीख लेंगे। इसके लिए लेखक ने 21 रूल बताए हैं। आइए पहले इन रूल की लिस्ट देख लेते हैं। पहला नंबर है सेट द टेबल। दूसरा नंबर है प्लान एवरी डे इन एडवांस। तीसरा नंबर है अप्लाई द 80-20 रूल टू एवरीथिंग। चौथा नंबर है कंसीडर द कंसीक्वेंस। पांचवा नंबर है प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। छठा नंबर है यूज द ABCDE मेथड कंटिन्यूअली। सातवां नंबर फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। आठवां नंबर अप्लाई द लॉ ऑफ थ्री। नौवां नंबर प्रिपेयर थॉरली बिफोर यू बिगिन। दसवां नंबर है टेक इट वन ऑयल बैरल एट अ टाइम। 11वां नंबर अपग्रेड योर की स्किल्स। 12वां नंबर है लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट। 13वां नंबर है आइडेंटिफाई योर की कंस्ट्रेंट्स। 14वां नंबर है पुट द प्रेशर ऑन योर सेल्फ। 15वां नंबर है मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स। 16वां नंबर है मोटिवेट योर सेल्फ इंटू एक्शन। 17वां नंबर है गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजी टाइम सिंक्स। 18वां नंबर स्लाइस एंड डाइस द टास्क। 19वां नंबर है क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। 20वां नंबर है डेवलप ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। 21वां नंबर है सिंगल हैंडल एवरी टास्क। आइए अब इन सारे रूल्स को डिस्कस करते हैं। नंबर एक, सेट द टेबल। कई बार हमारे पास बहुत से काम होते हैं, ऐसे में सबसे जरूरी काम सबसे पहले करें। अगर आप सब कुछ आप दिमाग में सोचते रहते तो ऐसा ना करें, क्योंकि इससे दिमाग में क्लैरिटी नहीं आ पाती, सब कुछ कन्फ्यूज रहता है। इसलिए सारा कुछ पेपर पर लिख कर प्लान करें। इससे आपके जितने भी काम या गोल्स हैं वो सब साफ साफ दिखने लगेंगे और ब्रेन काम के हर पहलू को ठीक से समझ पाएगा। दूसरा नंबर, प्लान एवरी डे इन एडवांस। हर दिन की प्लानिंग पहले से ही कर ले। कल क्या करना है ये सोने से पहले ही प्लान कर ले। इसके लिए आप लिस्ट बना सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको 3 लिस्ट बनानी चाहिए। पहला नंबर मास्टर लिस्ट, जो भी आपको फ्यूचर में करना है वो इन सब लिस्ट में लिखते रहें। दूसरा नंबर है मंथली लिस्ट, जो भी आप इस महीने करना है उसकी अलग लिस्ट बना ले। तीसरा नंबर है वीकली लिस्ट, जो भी इस हफ्ते करना है उसकी लिस्ट बना ले। आपको अपने काम में साफ साफ दिखेंगे और आप भी काम भूलेंगे नहीं, आपकी प्रोडक्टिविटी भी 10 गुना बढ़ जाएगी। तीसरा नंबर है अप्लाई द 80-20 रूल ऑफ एवरीथिंग। 80-20 का रूल हर चीज में लगाएं। सबसे पहले ये देखें कि कौन सा काम टॉप 20% में आते हैं, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें पहले कर लें, ना कि 80% कामों में उलझे। जो भी
इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मान लीजिए कि कल बिजली के बिल की लास्ट डेट है, लेकिन आप घर का पेंट करने में बिजी हैं, तो सबसे पहले पेंटिंग को रोककर बिजली का बिल भरें। पेंटिंग तो बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अगर बिल नहीं भरेंगे तो पेनाल्टी लगेगी। चौथा नंबर है कंसिडर द कंसिक्वेंस, परिणामों के बारे में ही पहले सोच लें। मान लीजिए आपको टीचर ने टेस्ट दिया, लेकिन आप किसी गेम की प्रैक्टिस में बिजी हो जाते हैं, तो इससे हो सकता है कि आपके पास टाइम न बचे और आप टेस्ट की तैयारी न कर पाए। तो पहले ही इसके परिणाम सोच ले, टेस्ट में आपके मार्क्स कम आएंगे, ग्रेम पैट्रिक्स या आप एक दिन बंद कर सकते हैं या टेस्ट के बाद थोड़ी सी कर सकते हैं। इसलिए यह जरूर सोचें कि कौन सा काम जिसे अगर समय पर न किया जाए तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे, इससे आप उस काम को जल्दी करने की सोचेंगे। पांचवा नंबर, प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन, कुछ टालना है तो क्रिएटिव तरीके से टालें। अगर आपने कोई उपन्यास लिखा है और उसकी एडिटिंग करने का मन नहीं कर रहा है, तो उसे कुछ हफ्तों के लिए टाल सकते हैं, इससे आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाएगा। कुछ हफ्ते बाद जब आप दोबारा उस उपन्यास पर काम करने लगेंगे, तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से उसे एडिट कर पाएंगे। आपको अपनी गलतियां साफ साफ दिखेंगी, आप नए इनपुट्स भी उसमें डाल पाएंगे। इसलिए अगर किसी काम को डिले करने से उसकी गुणवत्ता में सुधार हो तो उसे टाले, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, कोई डेट जरूर फिक्स कर ले। छठा नंबर, यूज ABCDE मेथड कंटिन्यूअली। ABCDE मेथड का हमेशा इस्तेमाल करें। ऑथर ने सब कामों को सरलता से निपटाने का एक तरीका दिया है, जिसे ABCDE मेथड कहते हैं। मान लीजिए आपको दिन भर में 10 काम करने हैं, तो पहले सब कामों को लिस्ट बना लीजिए, फिर जो काम सबसे पहले जरूरी है उनके आगे ए लिख दीजिए, जो काम थोड़े कम जरूरी है उन कामों के आगे बी लिख दीजिए, और कम जरूरी कामों के आगे सी लिख दीजिए। ऐसा ही सब कामों के साथ करते जाइए। अब सबसे पहले वो काम करिए जिसके आगे ए लिखा है, तब ए वाले काम को हो जाए, फिर बी वाले काम करें, ऐसे ही अंत तक करते जाइए। इस मेथड से आपके सब काम कंप्लीट हो जाएंगे और कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। जैसे अगर आपको गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है और आपको सब्जी लानी है, तो पहले देखिए क्या किसी को अर्जेंटली गाड़ी तो नहीं चाहिए। अगर हाँ, तो वो काम कैटेगरी ए का हुआ, सबसे पहले आप उसे सब्जी उसे करिए, यानी पहले गाड़ी में पेट्रोल भरवाइए, सब्जी तो बाद में भी आ जाएगी। यह फार्मूला तब बहुत काम आता जब आपको एक साथ बहुत से काम आ जाते हैं। कंपनी के मालिकों के बारे में सोचिए, उन्हें एक साथ इतने लोगों से डील करना पड़ता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट फाइनेंस ह्यूमन रिसोर्स, वो लोग हर काम को कैसे करते होंगे, वो लोग ऐसे ही मेथड यूज करते हैं। अगर आप कभी भी बिजनेस लगाएं तो ऐसी ही बुक पढ़ें, कभी बिजनेस फेल नहीं होगा। यह ब्लॉग ऐसी ही बुक्स की समरी से भरा पड़ा है। सातवां नंबर, फोकस ऑन की रिजल्ट, रिजल्ट देने वाला एरिया पर ज्यादा ध्यान दें। किसी भी काम को आपको रिजल्ट चाहिए, आप उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे अगर आपको अपने ब्लॉग के लिए ज्यादा ट्रैफिक रीडर्स चाहिए, तो सबसे पहले आपको ब्लॉग पोस्ट लिखने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि कॉम्प्लिकेटेड SEO पर। सबसे पहले पोस्ट लिखिए, SEO की बात है। आठवां नंबर, अप्लाई द लॉ ऑफ थ्री। थ्री का रूल कहता है कि आपको लाइफ की तीन जगह को संभालना होता है। पहला नंबर है घर, दूसरा नंबर है दफ्तर, और तीसरा नंबर समाज। हर प्लेस के लिए टाइम बांट लीजिए। कुछ लोग टाइम मैनेजमेंट करना नहीं जानते हैं, दफ्तर का काम घर लेकर आ जाते हैं, और इससे आपकी फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, बच्चों के साथ खेल नहीं पाओगे, पेरेंट्स से बात नहीं कर पाओगे, स्पाउस को भी टाइम नहीं दे पाओगे। समाज में आपके दोस्त रिश्तेदार या पड़ोसी आते हैं, उनके लिए भी जरूरी टाइम निर्धारित करें, तीनों के लिए टाइम का बैलेंस बनाएं। नौवां नंबर, प्रिपेयर थॉरली बिफोर यू बिगिन। शुरू करने से पहले सब कुछ तैयार रखें। कुछ भी स्टार्ट करना है तो उसको पहले सारी तैयारी कर ले। एक्सरसाइज करनी तो पहले कपड़े चुन ले, पानी की बोतल तैयार कर ले, जगह चुन ले। ऐसे ही ब्लॉग शुरू करना है तो बेसिक कोर्स कर ले, डोमेन और होस्टिंग ले ले, बेसिक SEO सीख ले। तैयारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। दसवां नंबर, टेक इट वन ऑयल बैरल एट टाइम। कोई भी बहुत बड़ा काम हो तो उसे कैसे करेंगे, जैसे अनाज से भरा ट्रक कैसे खाली किया जाता है, मजदूर एक टाइम में एक ही बोरा उठाते हैं, इसलिए आप भी सारा काम एक साथ न करने लगे। अगर ब्लॉग पोस्ट करनी है तो लगातार 2 घंटे न बैठे, इससे आप बोर हो जाएंगे और थक जाएंगे, इसलिए काम को बांट ले। सुबह 30 मिनट लिखे, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले, उसके बाद 20 मिनट लिखे, ऐसे ही शाम को एक घंटा लिखे। आप इससे आप बड़े आराम से कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिख लेंगे। 11वां नंबर, अपग्रेड योर की स्किल्स। अगर आपको बेसिक राइटिंग आती है तो उसे और ज्यादा परफेक्ट करने की कोशिश करें, इससे
इसके लिए डेली लिखने की प्रैक्टिस करें। अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसे और इम्प्रूव कर ले। 20 पुशअप्स लगा सकते हैं तो किस तक ले जाएं, इसी तरह बढ़ाते रहें। ऐसा ही किसी भी काम में कर सकते हैं। 12वां नंबर है लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, उसे पहचाने और फायदा उठाएं। अगर अच्छे खिलाड़ी है तो ऑफिस में अपने कॉलीग को भी टिप्स दे सकते हैं और वहां उस गेम का कल्चर शुरू करवा सकते हैं। लिखने का शौक है तो ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। बातचीत में निपुण है तो सेल्स और मार्केटिंग में आपका फायदा मिल सकता है। 13वां नंबर, आइडेंटिफाई योर की कंसंट्रेट्स। अगर आपको किसी काम को नहीं कर पाते तो यह देखें कि आखिर रुकावट कहाँ है। एक्सरसाइज न कर पाने का रीजन हो सकता है सुबह उठने का मन न करता हो। अगर ऐसा है तो शाम को कर लीजिए या सुबह अलार्म लगा लीजिए। रात को जल्दी सोना भी कारगर हो सकता है। फिल्म ऑडिशन में सफल नहीं हो रहे हो तो अपनी एक्टिंग स्किल और मेहनत कीजिए। कोई थिएटर या एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। इसी तरह किसी भी काम को रुकावट ढूंढिए, फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वह काम आसानी से हो जाएगा। 14वां नंबर, पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। किसी भी काम को जल्दी करने के लिए थोड़ा प्रेशर जरूरी होता है। आपको याद होगा कि जब स्कूल में टीचर टेस्ट रखते हैं तब हम सभी लेसन याद करते हैं, अपने मन से कभी याद नहीं करते, क्योंकि टीचर के कहने से हम प्रेशर आ जाता है। यही तो ट्रिक है। किसी भी काम को देना है तो उसे डेडलाइन दे और बता दे कि काम बहुत जरूरी है। बीच में रिमाइंडर भी देते रहे और मोटिवेट भी करते रहे। 15वां नंबर, मैक्सिमाइज योर पर्सनल पावर्स। हर व्यक्ति में खूबियां भी होती है और खामियां भी। अपनी खूबियों को इस्तेमाल करें और खामियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सुबह जल्दी उठने की आदत है तो रनिंग के लिए निकल जाए या एक्सरसाइज कर ले। हेल्थ अच्छी रहेगी, इससे काम में करने में भी दिल लगेगा। 16वां नंबर है मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। हमेशा पॉजिटिव सोचें। अगर अपने आप को मोटिवेट करते रहें, जैसे बहुत से ब्लॉगर 3 महीने में ब्लॉगिंग छोड़ देते हैं, वे सफल नहीं हो पाते। लेकिन जो हमेशा खुद को मोटिवेट करते रहते हैं और 6 महीने या 1 साल तक लगे रहते हैं, उन्हें रिजल्ट जरूर मिलता है। इसलिए कभी भी किसी काम को करते हुए रुके नहीं, बीच में रेस्ट लें, धीरे धीरे सही आगे की ओर बढ़ें और पीछे की ओर नहीं। 17वां नंबर, गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजी टाइम सिंक्स। टाइम वेस्ट करने वाली टेक्नोलॉजी से दूर रहें। हमारे बहुत से काम समय पर नहीं हो पाते क्योंकि आजकल हम बहुत सा टाइम इंटरनेट पर वेस्ट कर देते हैं। अगर YouTube पर ब्लॉग का वीडियो देखने जाते हैं तो थोड़ी देर बाद सॉन्ग देखने लग पड़ते हैं, फिर किसी कॉमेडी वीडियो पर नजर पड़ जाती है, फिर किसी यूट्यूबर का ब्लॉग या ट्रैवल वीडियो देखने लग पड़ते हैं। मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, इस तरह 4-5 घंटे वेस्ट कर देते हैं। यही हाल टीवी का है। लोग एक के बाद एक सीरियल या प्रोग्राम देखते रहते हैं और अब तो नेटफ्लिक्स और दूसरे OTT ओवर द टॉप मीडिया का भी बोलबाला है। बच्चे कुछ और तो पबजी और फ्री फायर का पीछा ही नहीं छोड़ते। हर तरह कोई क्रिएटिव काम करने के बजाय हम टेक्नोलॉजी की चीजों पर टाइम वेस्ट कर देते हैं। ये सब भी जरूरी है लेकिन इनका टाइम लिमिट कर देना चाहिए। डिसाइड कर लीजिए कि डेली 1 घंटा यूट्यूब पर वीडियो देखूंगा। जैसे ही 1 घंटा खत्म हो यूट्यूब से बाहर आ जाइए, फिर अपने काम में लग जाइए, क्योंकि कल फिर यूट्यूब के लिए 1 घंटा मिल जाएगा। इस तरह आप अपना काम कर पाएंगे और इंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। इस चीज के लिए टाइम अलॉट करना सीखें। 18वां नंबर, स्लाइस द डाइस एंड टास्क। काम को छोटे हिस्सों में बांट ले। बहुत बड़ा काम हो तो छोटे हिस्सों में बांट ले और टाइम भी निश्चित कर ले। जैसे ब्लॉगिंग भी काफी बड़ा काम है, इसलिए आप इन्हें हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे पहले हफ्ते डोमेन और होस्टिंग खरीदे और थीम अपलोड कर ले। 1 महीने में 20 क्वालिटी पोस्ट लिखे। 2 महीने बाद SEO करना शुरू कर दे इत्यादि। इस तरह से करेंगे तो आसान लगेगा। कुछ लोग पहले दिन से SEO में घुस जाते हैं। वे सोचते हैं कि पहले दिन से ट्रैफिक आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग SEO में इतना उलझ जाते हैं, उनके पास ब्लॉग पोस्ट लिखने का टाइम भी नहीं बचता, फिर हड़बड़ी में एक रद्दी से पोस्ट लिख देते हैं। ऐसे पोस्ट कौन पढ़ेगा? क्या आप किसी बुक की बेकार समरी पढ़ना चाहेंगे या किसी वो पढ़ेंगे जो सबसे बेस्ट होगी? ये टिप्स और ट्रिक्स आपके बारे में फ्री ब्लॉगिंग कोर्स में मिल जाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। 19वां नंबर है, क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। टाइम को भी डिवाइड कर ले। हर काम के लिए टाइम अलॉट कर दे। मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं, साथ ही आप एक नॉवेल लिखना चाहते हैं और साथ ही कोई ब्लॉग भी शुरू करना चाहते हैं, तो पहले टाइम डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट जॉब है, 9 से 5 उसे दे दीजिए, क्योंकि नॉवेल को पब्लिश होने के बाद चांस बहुत कम होते हैं। इसलिए 1 साल ब्लॉग को दे दीजिए, क्योंकि ब्लॉग से कमाना आसान है, इसलिए आपके पास इनकम का अच्छा सोर्स हो जाएगा। अगले साल नॉवेल शुरू कर सकते हैं। अब तो क्वेश्चन है ब्लॉग पोस्ट कब लिखें। 9 से 5 तो आप जॉब करेंगे तो दोस्तों आप 1 घंटा सुबह लिखें और 1 घंटा शाम को, और आधे घंटे में 10 मिनट की ब्रेक लें।
लेकिन रोज देखिए, आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका ब्लॉग बड़ा होने लगेगा। एक साल के अंत तक आप 100 से 200 अच्छी पोस्ट लिख लेंगे, इससे आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा और आपकी अर्निंग भी होने लगेगी। 20वां नंबर है डेवलपर सेंस ऑफ अर्जेंसी। कई बार आपने देखा होगा कोई असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट नहीं की है तो जब उसे सबमिट करने के लिए सिर्फ एक दिन बाकी रहता है तो आप उसे जल्दी से करने लगते हैं और आप देखते ही जिस असाइनमेंट को आप एक महीने से टालते जाएं तो आपने एक ही दिन में कंप्लीट कर ली। अक्सर हम सोचते हैं कि अभी तो टाइम बड़ा है, आराम से कर लेंगे, लेकिन फिर भी हम उस काम को भूल जाते हैं। इसलिए हर काम के लिए सोचें कि काम बहुत अर्जेंट है और अभी करना होगा। इससे आपका दिमाग उस काम को जल्दी करने के लिए मोटिवेट करेगा, किसी भी काम को ज्यादा समय अलॉट ही ना करें। जैसे ये ना बोले कि इस काम को 15 दिन में करना है, बल्कि ये बोले काम के लिए सिर्फ एक दिन है। लेकिन ये सिर्फ एग्जांपल है, उसको जेन्युइन समय तो देना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि वास्तव में आप उस काम के लिए 2 दिन चाहिए, फिर भी आप सिर्फ एक दिन दे रहे हैं तो इस काम तो हो जाएगा लेकिन क्वालिटी बहुत बेकार होगी, तो ये भी ध्यान रखें। 21वां नंबर है सिंगल हैंडल एवरी टास्क। एक समय पर एक ही काम करें, अगर कोई काम शुरू किया तो खत्म होने तक उसे करते रहें। ऐसा न हो 2 दिन एक काम किया फिर किसी और काम में लग जाएं, इस तरह दोनों काम पूरे नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसी पर फोकस करें, ये ना हो कि बीच में कोई नावल लिखने बैठ जाए, कुछ पेज लिखकर पोएम लिखने लग जाए, इससे आपकी कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ना तो नावल ही पूरा हो पाएगा, ना ही ब्लॉग में ट्रैफिक आएगा, क्योंकि 6 महीने तक आपको ब्लॉग पोस्ट ही लिखनी पड़ती है। इसलिए 6 महीने या 1 साल तक ब्लॉग लिखे, फिर अगले 5-6 महीने नावल को दे सकते हैं, अगला 1 महीना पोएट्री को दे सकते हैं, लेकिन ये सब डिपेंड करेगा आपकी फास्ट राइटर है या स्लो।